लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को घोषित होने वाला है। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया, इसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं और मतगणना का दिन ड्राई डे रहेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 29 लोकसभा के लिए 52 जिला मुख्यालयों पर मतगणना होगी। ईवीएम और कंट्रोल यूनिट की गिनती सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी। कल का दिन ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। काउंटिंग सेंटर फॉर 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। 116 काउंटिंग ऑब्जर्वर की निगरानी में काउंटिंग का पूरा काम किया जाएगा। पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है। काउंटिंग हॉल के अंदर मोबाइल फोन लेकर काउंटिंग एजेंट नहीं जा सकेंगे। मतगणना का परिणाम भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। 29 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए मतगणना होगी। ये काउंटिंग 52 जिला मुख्यालयों पे होगी। काउंटिंग प्रातः 8 बजे प्रारंभ होगी। पोस्टल बैलेट्स की गिनती 29 जिला मुख्यालय जहां पे आरओ हैं वहां पे की जाएगी। बाकी जगहों पे पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं होगी। जो हमारी ईवीएम है या कंट्रोल यूनिट है उसकी गिनती भी 8 बजे से प्रारंभ होगी। ऐसा इसलिए होगा कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती जिन 29 जगहों पे की जाना है जहां पे आरओ का मुख्यालय है वहां पर पोस्टल बैलेट की गिनती एक अलग कक्ष में आरओ की उपस्थिति में हो रही है। ऐसी स्थिति में उसी स्थान पे अन्य कक्षों में ईवीएम मशीन के माध्यम से काउंटिंग 8 बजे से आरंभ हो जाएगी। गर्मी को देखते हुए काउंटिंग सेंटर्स पे छाया की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और काउंटिंग हॉल के अंदर कूलर की व्यवस्था, कुछ जगहों पे कलेक्टर्स ने अपने स्तर पे एसी वगैरह की व्यवस्थाएं भी की हैं। प्रयास ये है कि गर्मी को देखते हुए जो कुछ भी सुविधाजनक माहौल वहां क्रिएट किया जा सकता है वो किया जाए। मेडिकल किट की व्यवस्था, डॉक्टर्स की व्यवस्था, अस्थाई अस्पताल की व्यवस्था, ये सारी चीजें की गई हैं, फायर ब्रिगेड वगैरह। कल का दिन ड्राई डे घोषित किया गया है, ये भी आपके जानकारी में है। काउंटिंग सेंटर्स पे 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। सबसे जो आउटर एरिया है वहां पे डिस्ट्रिक्ट की फोर्स, जो आर्म फोर्स है डिस्ट्रिक्ट की, वो रहेगी। जो इंटरमीडिएट क्वार्टर है, बीच का जो हिस्सा है, वहां पे स्टेट की आर्म पुलिस होगी। और जो इनर मोस्ट क्वार्टर है, जो सबसे अंदर का, जहां पे काउंटिंग सेंटर के ठीक बाहर, काउंटिंग हॉल के बाहर, वहां पे सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी होगी। आप अवगत हैं कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति जिसके पास ऑथराइज्ड पास नहीं है, प्राधिकार पत्र नहीं है, वो अंदर प्रवेश नहीं करेगा। जो हमारे काउंटिंग पर्सनल हैं, जिनके माध्यम से काउंटिंग का काम होगा, काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट, इन सभी को 3 बार इनकी रैंडमाइजेशन होती है। फर्स्ट रैंडमाइजेशन और सेकेंड रैंडमाइजेशन दोनों हो गया है। थर्ड रैंडमाइजेशन है वो कल सुबह 5 बजे होगा। थर्ड रैंडमाइजेशन के माध्यम से ये बताया जाता है, या ये हम कंप्यूटर से, सिस्टम से ये निकालते हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन सी टेबल पे काउंटिंग करेगा। आज के स्थिति में व्यक्ति को इतना पता है कि वो काउंटिंग दल के रूप में उसकी ड्यूटी लगी है और उसको अपना विधानसभा क्षेत्र पता होता है। सेकेंड रैंडमाइजेशन के बाद जो आज पता चला उसको कि कौन से विधानसभा क्षेत्र की वो गिनती करेगा, किस टेबल पे वो गिनती करेगा, ये उसको कल सुबह 5 बजे पता चलेगा। ये जो रैंडमाइजेशन की कार्रवाई होती है ये ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में होती है। आज भी ऑब्जर्वर की उपस्थिति में हुई है और कल भी ऑब्जर्वर की उपस्थिति में होगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।